पचपावली में महिला और उसके बेटे पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने दंपति सहित 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। जख्मी इंदौरा चौक निवासी मीरा देवी खदानी और उनका बेटा प्रकाश खदानी है। आरोपी अच्छाराम उर्फ अक्षय सैनी, उसकी पत्नी राधा अक्षय सैनी, संगीता प्रमोद सहानी, जस्सी मैडम, तोपवानी मैडम, वंशिका जग्गू झाबरानी तथा उनके 3 साथी हैं। आरोपी सोमवार की रात मेंटेनेंस के विवाद को लेकर मीरा देवी के घर आए। उन्होंने मीरा देवी और उनके बेटे से विवाद किया, मारपीट करके दोनों को जख्मी कर दिया। पाचपावली पुलिस ने हमले तथा दंगे का मामला दर्ज किया है। सोसाइटी का मैटर था, वो क्लियर हो गया था। मेरे से जबरदस्ती पैसे लेने आए, झूठ बोल के कि सबने दिया, आप भी दो। मैंने उनके पैर पड़ी, हाथ भी जोड़ी, नहीं माने। फिर दूसरे दिन 4-5 जेंट्स और 8-10 लेडीज से आके हमारे ऊपर हमला कर दिए। जैसे दरवाजा खोला, मेरे बेटे को दप्पड़े तप्पड़े मारे। मैं बीच में बचाने गई, मेरे हाथ मरोड़ के धक्का दिए और उसके बाद मेरे हैंडीकैप बच्चे को पीठ पे और छाती पे बहुत मारा गया है। मुख्य हमने इसकी 100 नंबर पे डायल किए थे। पहले पुलिस आई, उसके बाद पाचपाली पुलिस वाले भी आए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मेरे बच्चे का हैंडीकैप में पेपर में भी नहीं दिए, कहीं भी नहीं नाम दे रहे। हमको जान का बहुत खतरा है। हमको धमकी दे के गए, नीचे उतरोगे तो हम तुमको जान से मार डालेंगे, खून की नदियां बहाएंगे। जो लोग बाहर से आए थे वो धमकियां देके गए हमको। हमारी यही मांग है कि मेरे को न्याय होना और जिन लोगों ने हमारे को मारा है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है उनके ऊपर। नहीं, मैं बाहर के लोगों को, किसी को, जेंट्स को आज तक नहीं देखी हूँ। लेडी से बीविंग से आई थी, उनको बोल रही थी इनको मारो, इसकी बहू को भी निकालो। उसमें से जस्सी नाम की एक औरत है और टोपानी, वो जोर जोर से चिल्ला के तीनों लेडी से बोल रही थी इसकी बहू को भी मारो और उनके बेटों को भी मार डालो बोले। और रोज आके गालियां दे के जाते हैं नीचे, हमको बहुत मारे हैं हमारे, मेरे बच्चे को, मेरा मतिमत बच्चा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़, नागपुर।